डॉक्टर आयाज शाहिब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं और इस फिल्म फेस्टिवल के हवाले से दो बातें वहाँ साफ करें। आयाज शाहिब साहब। First of all, before coming to the subject, I am thankful to a big group who has for the first time given respect to our senior artists and youngsters. It's for the first time to look at for 20 years. We are again together in this hall, I mean all artists, youngsters and senior artists. This film festival certainly there is nothing left for us. One thing I would like to communicate from this, the big service for this industry will be, because only through regional cinema our local writers, our artists, events, Jannat Event Management, Samavar Restaurant, Space Communication, Hemat NGO for Women, Asha, the Care Foundation, Genuine Advertising and Marketing, Moonlight Shawls, and FM Tarka. And this event is powered by Mrs. Asha Saraf and Ashok Saraf. हेलो माइक दीजिए भाई। ये जॉर्जिया की फिल्म थी जो आपने देखी, आज की आखिरी फिल्म, और कल भी ये फेस्टिवल जारी रहेगा। मैं भारती कौन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आकर कुछ शब्द कहें आज के इस इवेंट के हवाले से, इस फेस्टिवल के हवाले से। भारती कौन साहब, नमस्कार, सत्श्रीकाल आप सबको। आप सब यहाँ पे आए, आपने जो की है इस फिल्म फेस्टिवल की शोभा बढ़ाई, और इस शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे साथ यहाँ पे बच्चे थे, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। इस फिल्म फेस्टिवल का मतलब ही यही है, एक्चुअली इसका मतलब ये है जो हमारी आने वाली जनरेशन है, द अपकमिंग जनरेशन दैट इज गोइंग टू टेक ओवर, तो उसके लिए, उनको दिखाने के लिए, उनके समझने के लिए जितने भी लोग यहाँ पे आए, उन लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका, और उम्मीद करते हैं कि कल हमारा क्लोजिंग सेरेमनी है, और जिसमें हम जम्मू में हम थे, मैं खुद था, मैं उमर साहब के साथ काम कर रहा था उन दिनों, तो उमर साहब
हैं उनके तालियां बजाएंगे। पूरी टीम हमारे साथ उनकी आया शाही साहब, आप जरा प्लीज दो मिनट के लिए यहां है। मुबारक आया साहब आपको बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का से शुक्रिया, आप आए और आज इस मेरी छोटी सी कोशिश को आपने सराहा। लेकिन इन हालात में और कैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया, शायद आपको उस बात का एहसास ही नहीं होगा। कश्मीर से बाहर 1994-95 में ऐसी लोकेशंस जो कश्मीर की लोकेशंस हैं और कश्मीर का पूरा मंजर है उसको बाहर फिल्माना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। मैं हिमाचल गया, कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन कहीं कोई मुझे ऐसी लोकेशन ही नहीं मिल पाई। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई शबीर मुजाहिद साहब, मुश्ताक वानी साहब, जमीर साहब, एवरीबडी उस विथ भी रातों रात ट्रैवल करके लास्ट में पहुंचा जुम्मू में एक किचन नेक बॉर्डर है। किचन नेक बॉर्डर में मैंने ये सारा सेट जो है ये क्रिएट किया। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कहीं लगा होगा कि ये कश्मीर नहीं है। और वहां पर मैंने इसको फिल्माया, मेरे दोस्त मेरे साथ थे और इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स फ्रॉम बॉम्बे एंड फ्रॉम कश्मीर। लेकिन वसूख के साथ कह सकता हूँ जो मेरे कश्मीर के अदाकारों ने काम किया, बॉम्बे के अदाकार उनके सामने बेहोश हो गए। Especially, I would love to call Zameer Ashai here on the stage because the tremendous job he has done and जिस लगन से इसने काम किया, खासकर जमीर अशाई साहब और मरीन के अजी ने। और आज 16 साल के बाद आपने इस फिल्म को देखा, लेकिन आपके ऐलान के लिए इंशाल्लाह इट विल बी अ नाउ फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म इन कश्मीरी लैंग्वेज। बस आप अपना प्यार देते रहिए और दुआ कीजिए हमारे जो यंगस्टर्स है, अब तो हम तो आफ्ताबे को ही बन गए हैं। मेरी दुआ है हमारे यंगस्टर्स में, अभी जो इससे पहले यहाँ पे हमारे बच्चे ने फिल्म देखी बताई, दैट वॉज अ वंडरफुल। जमीर साहब एक मिनट आइए, फिर मुजाहिद साहब आप भी एक मिनट आ जाए, नहीं अफोर्ड मुश्ताकवानी साहब आप भी आ जाए। तो ये हमारे मैं उत्सुक के साथ कह सकता हूँ बगैर अनी लगी लिपि इज दिलीप कुमार ऑफ अवर कश्मीर। मुश्ताकवानी साहब माई प्रो प्रोड्यूसर एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज शबीर मुजाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबको सही सलामत रखे और हमें आप लोगों को महसूस करने की तौफीक अदा फरमाए। और आई एम थैंकफुल टू दिस ग्रुप, ये जो उम्मीद ग्रुप है, दे हैव प्रोवाइडेड स्पेशल सिटिंग डॉक्टर दिलनवाज मुदसिर। अगर डॉक्टर दिलनवाज मुदसिर साहब यहाँ है तो यहाँ पर तशरीफ लाएं माइक पे। इफ डॉक्टर तबरेज मदनी से गुजारिश करूंगा दो मिनट यहाँ पर आकर के इस फिल्म के हवाले से थोड़ी सी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी फिल्म को देखा और फिल्म के दौरान जो सीटियां बजी, जो तालियां बजी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आसान नहीं था इस फिल्म को बनाना क्योंकि हम दोस्तों ने मिलकर कोशिश की और वो कोशिश रंग लाई है। और आज इस फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म को मौका मिला, स्क्रीन की गई और आप सबकी दाद मिली, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा मेरी पूरी फीचर की टीम से कि एक बार वो स्टेज पर आ जाएं जहां हमारे साथ जम्मू कश्मीर के दिलीप कुमार साहब हैं, जमीर अशाई साहब ऑन स्टेज भी, वहीं हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अमिताभ बच्चन राजा मजीद साहब भी हैं, तो वो भी स्टेज पर आ जाएं। मैं टेक्निकल स्टाफ से भी गुजारिश करूंगा, जो टेक्निकली मैं हमारी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बिलाल साहब अगर यहाँ है तो वो प्लीज, बिलाल शेख साहब अगर यहाँ है तो स्टेज पर आ जाए, फैजान स्टेज पर आ जाए प्लीज, मुश्ताक साहब स्टेज पर आ जाए, परवाजी स्टेज पर, सदफ ऑन स्टेज प्लीज। ये फिल्म ख्वाब था हमारा जिसे हमने पूरा किया और ये मुमकिन नहीं थी अगर ये स्टार्स हमारे बीच ना होते, क्योंकि इनकी
सबको मेरा प्यार भरा सलाम। बेसिकली कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैंने दो फिल्में देखी जिसमें मैं खुद था, पहले मैं उनकी बात करूंगा। एक तो मैंने अबा खातून देखी और दूसरी फिल्म सेपरेशन देखी, हिज। अबा खातून के बारे में बताऊं कि अबा खातून कुछ शूट करने में काफ़ी दुश्वारियाँ हुई थी, क्योंकि शूट सारा जम्मू में था, वहाँ वो लगा नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी जो डायरेक्टर ने कोशिश करी थी और ये फिल्म जब हमने देखी हमें बहुत अच्छा लगा। हम मुबारकबाद देते हैं हया शारिफ साहब को इसके लिए और एंटायर टीम को जो उसके साथ जुड़े थे, लोग बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी कोशिश थी। और अब हम बात करेंगे इस फिल्म की, हिश की। हम एक गांव चले गए थे कोपारा, जब हमने भी फिल्म देखी तो मैं वो याद आया किस तरह से हमने वो 5-10 दिन वहाँ गुजारे। बहुत ही ज़बरदस्त लोकल था वहाँ पे, उस लोकल में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत अच्छी फिल्में बनाई जा सकती हैं। और मेरी पहली फिल्म थी दिलनवाज साहब के साथ जो उसके डायरेक्टर थे, मुझे एक काम करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, बड़े प्यार से समझाते थे कि इसको ऐसे करेंगे, तो हम भी कोशिश करते रहे जो कुछ हमें बताया गया। अब हम किस हद तक कामयाब हो गए हैं वो आपने देखा होगा पर्दे पे, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ उम्मीद को भी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और उन तमाम लोगों को जो फिल्म के साथ जुड़े थे। और मैं खुश हुआ आज मेरे पर खुदा तबरेज साहब कुछ फिल्म में देख कर, मेरे साथ तो काम किया लेकिन मेरा बरखुदा है, मेरा बच्चा है, तो मुझे लगता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तबरेज एक्टर भी बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, लेकिन एक्टर बनने की सलाहियत मुझे तब लगा नहीं था कि कभी एक्टर बनेगा, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। गोरा साहब ने बहुत खूब किया था। राजा मजीद साहब के बारे में क्या बताएं, हमारे साथी रहे हैं शुरू से, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। दल साहब, आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? फिल्म तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी हुई है, इसमें एक्चुअली एक्टर्स एंड टेक्नीशियन सब ने बड़ा एफर्ट लगाया है, तो फिल्म के लिए एक्चुअली फाइनेंस का थोड़ा बहुत यहाँ पे इशू रहता है, लेकिन बाद में वो जैसे तैसे हमने करके फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो इसमें डॉक्टर साहब के साथ हमारी पहली मतलब पिक्चर है, तो उनका बड़ा इसमें बड़े मतलब एक्सपीरियंस है वो, और एक्टर्स वगैरह सब ने दिल लगा के काम किया। तो आने वाले वक्त में कोई प्रोजेक्ट है आपके जहन में? आने वाले प्रोजेक्ट में है, लेकिन अभी वो कोविड की वजह से थोड़ा हमारा उसमें डिले हुआ था, लेकिन होप सो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम नए प्रोजेक्ट के साथ आएंगे, एंड देट विल बी फॉर बेटर देन दिस। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को एक दुआ चाहिए, आप लोगों की तालियां चाहिए, पैसे तो बहुत कम ही मिलते हैं लेकिन तालियों की बहुत जरूरत है। आप तालियां बजाइए और हम आपके सामने पेश होते रहेंगे, हौसला अफजाई होती है। आप लोग ऐसे ही हमें प्यार दीजिए तो हम आपकी खिदमत के लिए हर टाइम हर वक्त हाजिर रहेंगे, जैसे भी हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू उमेर ग्रुप, थैंक यू वेरी मच, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद गोरा जी आपका। और आप सब आइए और लंच कीजिए, उसके बाद हम फिल्मों का सिलसिला शुरू करेंगे। 45 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जो जान माल और खेत खलिहान बहा करने गए, बहुत कुछ खत्म हो गया। वादी कश्मीर न सिर्फ अपने हुस्न जमाल बल्कि फनकारों और दस्त मशहूर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन फिल्म से
महसूस हुए होंगे, मैं सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस श्रीनगर श्री भरत सिंह जी का खैर मकदम करता हूँ। अनंत शिवलाल, अब हम आपके सामने चंद म्यूजिक वीडियोस पेश करेंगे। ये वी हैव सेवन म्यूजिक वीडियोस टोटल, वी हैव सेवन म्यूजिक वीडियोस, वो छोटे छोटे वीडियोस हैं, वो आप देखिए, एंजॉय कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट हम क्लोजिंग सेरेमनी पे आ जाएंगे। अवार्ड हमारे एक परफॉर्मर रहे हैं वाहिद फयाज। वाहिद फयाज साहब तशरीफ इन्होंने कर दिया, बहुत ही अच्छा डांस पेश किया। यहाँ पे मौजूद सभी आर्टिस्ट को मेरी तरफ से आदर। मेरी जो असेसमेंट है, ये तकरीबन डेढ़ घंटे की प्रोग्राम तो आपका पिछले दो दिन से चल रहा है, लेकिन जो ये अवार्ड्स का मैंने इसमें जो यंग टैलेंट को देखा तो उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी। हमारी सबसे ज्यादा कल्चर में जो चिंता रहती है, फिक्र रहती है, वो यही रहती है कि ओल्ड जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक हम कैसे पास ऑन करते हैं इन चीजों जो हमारे कल्चरल एलिमेंट्स हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इसमें मेजॉरिटी मुझे यंग टैलेंट देखा जो जिन्होंने अवार्ड लिया है, तो उससे मैसेज एक ऐसा आता है कि हमारा जो यूथ है उसको अपने कल्चर के साथ बहुत अच्छी तरह से काफी लगाव है और उन हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है और ये एक अच्छी निशानी है। इसको अप्रिशिएट करना जरूरी है कि यूथ जो है अगर वो अपने आप को इस कल्चर के साथ अटैच नहीं करेगा, इसको सिग्निफिकेंस नहीं देगा, तो बहुत सी हमारी ऐसी एलिमेंट्स हैं इस वक्त भी कि जो बहुत बहुत कम रह गई है, उनको स्प्रेड करने की जरूरत है, उन चीजों को सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं कल्चरल एकेडमी की तरफ से मेरा मैसेज अक्रॉस द बोर्ड सभी लोगों को यह है कि हमारी जो स्कीमें पिछले तकरीबन 4-5 साल से साइलेंट रही हैं, जो कल्चर के सभी सेक्शंस को कवर करती हैं, तो उसमें हमने रिसेंटली रिव्यू किया है और वो जैसे ही अप्रूव हो जाएंगी तो हम इस कल्चर के हर सेक्शन जो है, हर स्कीम जो है, अराउंड 42 स्कीम्स है हमारी, उनको आप सपोर्ट करेंगे और आपके बहुत से इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर हो जाएंगे। मुझे ये मैसेज आपको देना है। और दूसरा, ये जो यंग टैलेंट है इनको मेरा जाती मैसेज है कि ऊपर वाले ने हर इंसान को यूनिक क्वालिटीज दे रखी होती हैं। सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है, उन अपनी क्वालिटीज पे यकीन करना, भरोसा करना, उसको बैक करना, ट्रस्ट करना। अगर ये लोग इसको ट्रस्ट करें दैट व्हाट एवर द गॉड हैज गिवन टू अस वी नीड टू अनफोल्ड दिस, वी नीड टू एक्सप्रेस दिस। जैसे यहां प्लेटफॉर्म है, हमें जहां भी जिस साइड से भी मौका मिलता तो हम कोशिश करते हैं कि प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाए और इस टैलेंट को, जो ये हिडन टैलेंट है, इसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और ये अपनी मैं तो इसको ऐसे मानता हूं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी की तो रिफ्लेक्शन है, ये सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या होता आया है, उसको कैसे जिंदा रखना है, वो हमारी पहचान है, उसको हमें कैसे पास ऑन करना है न्यू जनरेशन के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा यंग टैलेंट जो है उनका ये अवार्ड का जो सिलसिला देखकर मुझे लगा कि ये हमारा फ्यूचर काफी ब्राइट है, हमें इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। मेरी कल्चर अकेडमी की तरफ से आपको
जो भी मेरे दायरे इख्तियारात में है उसमें भरपूर मेरा सपोर्ट रहेगा। मुझे आप यकीन मानिए मैं इसको एंजॉय करता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी को कभी भी मैंने मतलब इसको बर्डन नहीं माना। आई एंजॉय दिस और मेरे को इतनी वैरायटी इसमें मिलती है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की इश्यूज हैं, लेकिन हर मसले में हर इश्यू में कुछ नई चीज दिखती है, कुछ नया एलिमेंट दिखता है। तो मेरा भरपूर सपोर्ट रहेगा। मेरा मैसेज आप सब लोगों को यही है कि अपने इस टैलेंट पे भरोसा रखिए, इसको बैक करिए और जो आपको सपोर्ट हमारी कल्चर अकेडमी से चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू भाई। सभी सामने में एक से बढ़कर एक मुख्तर शख्सियात बैठी है तो हरे का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले मैं दो बातें कहूँगा। एक तो ये कि मैं मशहूर हूँ अपने इस छोटे भाई का, जिस जो ये हमारे जम्मू से ये खासकर जम्मू में रहते हैं लेकिन बट इज वर्किंग फॉर द कश्मीर, अपने रोहित जी और उनके भाई साहब कई सालों से इतना खूबसूरत काम ये कर रहे हैं कश्मीर के कल्चर, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो परंपरा, हमारी जो रिवायत है उसको ये सही ढंग से पेश कर रहे हैं और ही इज प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर यंग एंड बाइंग टैलेंट ऑफ अवर स्टेट। टुडे आई एम सो मच एक्साइटेड एज अवर ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब जी सेड टू सी दिस यंग टैलेंट, यंग एंड बाइंग टैलेंट, दे आर ग्रूमिंग लाइक एनीथिंग। Now I feel there is no vacuum left if we achieve something. That's a wonderful, really, I speak from the core of my heart, one thing. But secondly, which I would like to tell my youngsters, मेरे सामने हमारे प्रोफेसर डायरेक्टर म्यूजिक जनाब मुजफ्फर साहब बैठे हैं, मेरे करीबी साथी हैं और सेक्रेटरी साहब जो हमारे एकेडमी से ताल्लुक रखते हैं। दो बातें कहूँगा, पहले मैं यंगस्टर्स को, आप में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बट हर एक फील्ड में चाहे बंदा घर में हो माहिर की जरूरत पड़ती है, बाहर जाए उस्ताद की जरूरत पड़ती है। टैलेंट इतना खूबसूरत है बट आपको एक दिशा चाहिए, आपको एक ऊपर हाथ चाहिए। प्लीज एंड प्लीज सीक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स, एल्डर्स मीन्स उस्ताद हासिल करें और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ यू विल कैच द स्काई। Because such a brilliant talent you people are having, not only in music, in other, we are young directors, we are having today, आज मैंने फिल्म देखी अपने छोटे इस बच्चे की, अपने क्या छोटे सरकार है, छोटे सरकार कहता हूँ, बलबीर साहब, और हमारे एक और फिल्म बिजरा, जो टेक्निकली बहुत ही अच्छी फिल्म लगी मुझे, I didn't get time to see the other films, but those were pupil brilliant, and the selection especially was very good. मैं यही कहूंगा अपने जो मेरे ये छोटे भाई हैं, नाउ यू डू वन थिंग, नाउ यू फॉरगेट अबाउट इंटरनेशनल फिल्म्स, ट्राई टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर लोकल प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड यू कैन गो फॉर अ स्मॉल वर्कशॉप, गेट अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, गेट अ पर्सन फ्रॉम द वैली, वी हैव सिविक मुजाहिद अदर फिल्म मेकर्स, give them a training for some time and ask them to produce films of their own, then we will take the exhibition off and we will find who is the best one. By this they will, I mean, be ready, they will achieve and they will learn so many things. Dusri baat, main abhi Sakri sahab ne baat kari ki we were in dilemma, we are facing a lot of problems, all the artists, all doors were closed and we are not getting any relief from any side, but heads off to our Sakri sahab, इनके एफर्ट से इन्होंने जो बात कही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं भी उस कमिटी में था और जिस जोश से और जिस वलवले से ये चाहते हैं कि वो पुरानी स्कीम एक जो है जिससे हमें थिएटर को भी फायदा मिलेगा, हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा मिलेगा और वो स्कीम्स ये फिर से रिवाइव कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बताऊं, परसों एक मसला आया था हमें, मैं हम रिक्वेस्ट नरेश अपने सेक्रेटरी साहब से की, मैंने कहा सर थिएटर बहुत रुपस है, दे आर गेटिंग स्मॉल फाइनेंशियल आई मीन असिस्टेंस, सर इसको करें, एंड ही प्रिंसिपली आई एम सो मच थैंकफुल टू यू, ही प्रिंसिपली अगेन इवन इफ देयर आर एनी टेक्निकल आई मीन प्रॉब्लम, मैंने कहा कि मैं कर दूंगा ये, सो थैंक्स फॉर दैट आल्सो। इसको लीजिएगा उस हिसाब से कि जिसको जिसकी जरूरत है जी, न्यानी सीने के जख्म कंजरे में थे, ये थे इश्क़ाज़ी जी, न्यानी सीने के زخم قزره ایده یه تایی شکر زیچه یه بلند
प्यारम चिचेरिस अखनजर सब सबसे पहले तो मैं अपनी एंटायर टीम जो मेरी बैकस्टेज टीम है क्योंकि मैं या मेरे ब्रदर तब तक कामयाब नहीं है जब तक हमारे साथ हमारी टीम ना हो बिना नाम लिए मैं चाहता हूँ सारी टीम स्टेज पे आए और उसके साथ साथ टाइगर हॉल की जो स्टाफ है इसे मैं यहाँ का स्टाफ नहीं मानता हूँ मेरी टीम मेरा परिवार है आप सब भी प्लीज स्टेज पे आए कंट्रोल रूम से सब लोग आ जाए प्लीज मेरे लिए मुझे पता आप लोग नहीं आते सब 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 आ जाएंगे स्टेज पे सब पूरी टीम सरासा सभी अगर कंट्रोल रूम से आप लोग नहीं आए ना तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं सर मैं नहीं बोलने वाला हूँ आप आ जाइए सारे सारे आ जाइए प्लीज एक बार मेरे लिए आ जाइए आज मुझे पता है आप ऑफिशियली ड्यूटी पे हैं लेकिन नहीं आज संडे भी है और लेट भी हो गया अभी पांच से पार हो गए तो प्लीज और जो मेरे सपोर्टर क्यों किसको फरज जी आप क्यों नहीं आ रहे अलग से इन्विटेशन हमारे खुशी भाई शबीर भाई गुलफाम बाल जी हमारे सारे जिनको मैंने इतने दिन परेशान किया आप सब क्यों नहीं आ रहे आपको पता ही आप टीम में आप क्यों नहीं आ रहे जावेद गोरा साहब तो हमारे जो अमित वांटू जी मेरे बड़े भाई प्लीज आप आइए कुछ थिएटर से जुड़े थे फिल्म फेस्टिवल आप पात्र फिल्म यूजन एस बॉम्बे उस कराम फिल्म सो पात्र मगर मेरा फर्स्ट प्यार छु थिएटर सो मैं तो ये फिल्म तक समझे हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े उर्दू पढ़े कात करा मगर मैं ना आखिर पढ़ता पे कशिर पढ़ता कैसे उत्तर पर दोन दोन गांव पढ़ना कशिर कुछ काफी करा मैं तो वाची में पासा बेकर तो बिलीव मी मेरे ब्रदर ने हमें इसको जी इनिशिएटिव तुलते पका विशेष लॉन्च करे वो पति फार्मर्स मस तल पट कुछ में कशिर बेशन माजी मामे कुछ ना मैं कर मिले कशिर पर करा स्मोक मेले में तो यार सर आप क्यों उठ रहे हैं प्लीज आप तो मतलब आपको भी मैंने इतना परेशान किया जिन जिनको मैंने परेशान किया सही असर निकला ऐसा सर प्लीज हाँ खुद से आना है मतलब इसमें नहीं है कि हाँ प्लीज सर प्लीज क्योंकि इसमें सभी को आना है कोई रहना नहीं चाहिए भारतीय मैं उधर नहीं आई उधर थोड़ा सा तो आकर उधर सही कहते मुझे पता दूर दिशा